खबर कन्नौज से है, जहां भाजपा विधायक के करीबी पूर्व प्रधान की हत्या हुई है। छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे का करीबी है पूर्व प्रधान अरुण शाक, जिसे मौत के घाट उतारा गया है। चुनावी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तालग्राम थाने के नुरैया गांव का पूरा मामला है। हत्या की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंची छिबरामऊ विधायक ने कहा है, हत्यारों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। तालग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है नुरैया, वहां पर ये अरुण शाक्य जो है वो पूर्व प्रधान है। वहां का वर्तमान प्रधान के साथ और इनकी आपस में कुछ रीति थी, पता नहीं आज क्या घटना हुई है। अभी पूरी घटना का तो पुलिस और सब लोग मिलकर के खुलासा करने के बाद ही आपको बता पाएंगे, लेकिन जितना जानकारी मिल रही है वो यही है कि झगड़ा तो हुआ है, और झगड़ा क्या कहें, सिर्फ एक तरह से एक पक्षीय उन लोगों ने घेर कर अरुण शाक्य के ऊपर हमला किया है, और उस हमले में हताहत होकर के लगता है कि उसका अब ये सारी बातें अभी कहने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। जब पूरी जानकारी कर ले तब उसके बाद ही आपको। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है नहीं? ऑफ कोर्स मुझे लगता है 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और सच्चाई तो ये है कि जिन लोगों ने भी ये घटना की है एक बार कर तो गए होंगे, लेकिन अब उनको भी मालूम पड़ेगा कि उनका पल्ला कैसे पड़ा है, उनकी रूह कांप जाएगी, इतनी सख्त कार्यवाही होगी। और मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरीके का काम करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद पूर्व की तरह इस तरह के काम हो जाएंगे, लेकिन ये उनकी भूल थी, और उनको इस भूल की जो सजा मिलेगी उसे आप लोग भी देखेंगे और हम सब लोग। जानकारी ये मिली है कि चुनावी रंजिश के तहत ये सब हुआ है, क्या ऐसा ये जो जिसने किया है, जानकारी ये मिल रही है कि वो सपा का आदमी है, क्या सपा और बसपा मिलकर हो रहा है क्या? अभी ये सब बातें हम लोग कहने की स्थिति में नहीं है, जब तक पूरी जानकारी नहीं करेंगे तब तक आपको इस संबंध में हम लोग कुछ। आज आप स्वयं जो है मामले को लेकर जिला अस्पताल पहुंची है, परिवार वालों से बात हुई है, क्या कुछ बताया आपसे? मामले को लेकर नहीं, चूँकि मुझसे बहुत मेरे संपर्क में था, मेरा बहुत स्नेही था, और मेरे लिए मेरे पार्टी के लिए भी काम करता था, तो स्वाभाविक है मेरे रिश्ते उससे केवल एक कार्यकर्ता के नहीं पारिवारिक रिश्ते थे, तो जैसे ही मुझे पता लगा इसलिए मैं यहाँ आई। और अभी परिवार के लोग ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि उनसे बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात की जा सके, इस समय तो केवल सांत्वना देना और जो लोगों ने जिन लोगों ने कृत्य किया है उन पर कार्यवाही करना, केवल ये दो बातें हो सकती है।